रास्ता देखो जरा, ऐसे zigzag, क्या मजेदार नजारे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो है मैं निकल रहा हूँ ऋषिकेश से मसूरी की तरफ। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, मैं ऋषिकेश आया था तो सुबह के 4:45 हो चुके हैं। थोड़ा जल्दी उठना था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया हमेशा की तरह, कोई बात नहीं। तो बाइक मेरी रेडी है और बैग मैंने आज नहीं लिया है क्योंकि बैग मैंने होटल में ही रखा हुआ है। ये बाइक आपको साफ दिख रही होगी, मैंने इसको अभी क्लीन किया है, लेकिन कल जब मैं दिल्ली से ऋषिकेश आया था ये बाइक बहुत गंदी हो गई थी। तो अभी वी आर ऑल सेट। देखो मैंने मैप भी सेट कर दिया है और सब सेट है, तो चलो जरा चलते हैं मसूरी की तरफ। तो ठीक है जी, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और कल आपने देखा होगा यहाँ पे ऋषिकेश में ये वाली सड़कें कितनी भरी हुई थी। कली नहीं, रोड्स पे मैं घूम रहा था, अभी सारी शॉप्स बंद हैं, सुबह 5 बज रहे हैं और मसूरी अभी 66 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से। तो पहले इसमें फ्यूल भरवाते हैं फिर इस पेट्रोल पंप से, क्या पता आगे पता नहीं कहाँ मिले कहाँ नहीं। पेट्रोल डलवा लिया तो कोई टेंशन है नहीं, अब फुल हो गया टंकी। ऋषिकेश सो रहा है पूरा भाई, सुबह सुबह राइडिंग करने का मज़ा ही अलग है। जब मैं ऋषिकेश तक आया था तब इतने पहाड़ नहीं थे, अब ये जो सारा सफ़र है पूरा ऋषिकेश से मसूरी ये सारा पहाड़ों वाला है। तो देहरादून और मसूरी जो है वो है राइट साइड में, यहाँ से चुनना है तो इस NH7 के साथ मर्ज हो जाना है हमें। तो मैं देहरादून पहुंच चुका हूं और अब मसूरी जो है वो कुछ ही किलोमीटर दूर है। देहरादून शहर भी काफ़ी चमक रहा है, तो सनराइज इन देहरादून हमने देख लिया। ये तो ये पहाड़ शुरू हो गए, अब हम पहाड़ चढ़ रहे हैं मसूरी के लिए। यहीं पे ट्रांजिशन है टेम्परेचर की। मैप देखो भाई, रास्ता देखो जरा, ऐसे zigzag। धनौल्टी भी 47 है, मसूरी 19। तो मैं सोच रहा हूँ धनौल्टी भी हूँ, क्या बोलते हो गाइस कमेंट करके बताओ। देखो इसको बोलते हैं हेयर पिन टर्न, यहाँ पे शीशा लगा होना चाहिए सड़क पे लेकिन वो है नहीं। अभी 14-15 किलोमीटर और है ऐसे ही पहाड़ों पे। ये हम देखो कितना ऊपर आ चुके हैं, देहरादून कितना नीचे रह गया। अभी मैं इसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ओवरटेक पहाड़ों में नहीं करना चाहिए क्योंकि पता नहीं सामने से कौन आ जाए। देखो दिख नहीं रहा कोई भी, अचानक से आ जाएगा, तो बेटर टू बी इन द लेन। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ ओवरटेक, जगह मिलेगी मेरे को। मतलब आप ऐसा नहीं कि जब आप चाहें तब ओवरटेक कर सकते हैं पहाड़ों में, एक माहौल एक सिचुएशन देख के ही ओवरटेक किया जा सकता है। भाई रास्ता देखो ज़रा गूगल मैप देखो आप लोग कितना घुमावदार है। मसूरी अभी भी 16 किलोमीटर है, देखो माइलस्टोन पे लिखा है गन हिल रोप वे। क्या नजारे हैं यहाँ से, ज़रा व्यू देखो आप लोग, ये वो नीचे से अपन आया ऊपर तक। अभी सड़कें तो साफ हैं और मज़ेदार एक्सपीरियंस है और आगे वहाँ तक हमें चढ़ना है वो पहाड़ पे। धूप होनी स्टार्ट हो गई, बहुत मज़ेदार है, साइक्लिस्ट भी हैं यहाँ पे। अभी मसूरी लगभग 13 किलोमीटर और बाकी है और नज़ारे देखो भाई क्या मज़ेदार नज़ारे हैं। और भाई क्या हाल है, वो बहुत सारे हैं यार। ये देखो अपनी लेन में नहीं चला रहे लोग, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया और काफ़ी रिलीफ है, गर्मी से राहत, बहुत ज़्यादा राहत। दिल्ली और ऋषिकेश दोनों जगह भाई बहुत गर्मी थी। दिल्ली से तो मैं आया हूँ गर्मी से बचने के लिए, पहाड़ों में निकल गया, तो ऋषिकेश में भी उतनी ही गर्मी थी जितनी दिल्ली में है। लगभग मेरे को 10 डिग्री का फ़र्क फील हो रहा है। मसूरी में ये जगह है जहाँ पे एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट पार्क है, यहाँ से अगर आप लोग देखो रोप वे टू भट्टा फॉल तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। तो यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर, तो ठीक है इधर ज़रा, तो इस रेस्टोरेंट पे ज़रा रुकते हैं भाई। ये देखो इस तरीके का नज़ारा है यहाँ से, नाम है नेचर व्यू कैफ़े।
यहाँ बैठता हूँ थोड़ी देर, अभी इस रेस्टोरेंट पे आया हूँ, बढ़िया नज़ारा है यहाँ से, यहाँ बैठ के चाय पीता हूँ और बाइक को लगा देता हूँ यहाँ पे। चलो ये देखो पहाड़ों का नज़ारा, यहाँ पे बैठ के मैं चाय पीता हूँ, कुछ फ़ोटो शोटो खींचूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से व्यू है, इतना ऊपर मैं आ चुका हूँ, होटल वगैरह सब है यहाँ पे, तो ये तो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे बैठा हूँ मैं, चाय पी रहा हूँ और मौसम जो है बढ़िया हो गया, एकदम बढ़िया टेम्परेचर हो गया है और एकदम चिल वाइब्स आ रही है। अभी आगे और चढ़ना है, मसूरी जो है वो 5 किलोमीटर जस्ट रह गया है, बट चाय के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मॉल रोड इधर है, तो देखो मसूरी आ गए हम फाइनली। ये है मसूरी मल्टी लेवल कार पार्किंग। तो अभी मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी चौक और टाइम जो है वो 7:30 हो रहे हैं। ओहो एक्सपीरियंस गन हिल रोप वे। मसूरी में आगे जगह थोड़ी चौड़ी सी हो गई है, अभी नीचे बहुत टाइट रास्ते थे। वहाँ दिल्ली में पानी की कमी हो रही है और यहाँ देखो पानी ऐसे वेस्ट जा रहा है। तो मैं पहुँच गया हूँ मसूरी और ये मेरे पीछे जो है लाइब्रेरी चौक है। बस 7:30 बज गए हैं, थोड़ा लेट पहुँचा हूँ, मेरे को उम्मीद थी कि 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा, बट कोई नहीं, पूरा दिन पड़ा मेरे पास घूमने को, आराम से घूमूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।